नमस्कार, एमकेएन के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। दुर्ग जिले में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का रूप देकर बर्थडे केक काटने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रोशन सिंह ने एएसपी संजय ध्रुव से मिलकर की। रोशन का आरोप है कि कालीचरण ने महात्मा गांधी पर टिप्पणी की तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर की गई। यहां तिरंगा झंडे का अपमान पूर्व पार्षद और कांग्रेसी नेता ने किया तो अब तक पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। रोशन ने कहा कि यदि पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करती तो वह इसका विरोध करेंगे। वहीं एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि मामले को जांच के लिए छावनी पुलिस को कहा गया है। जांच के बाद यदि सच्चाई सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 2007 में ठीक इसी प्रकार की घटना क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के साथ भी हुई थी। एक पार्टी के दौरान सचिन तेंदुलकर ने तिरंगे के रंग का केक काट दिया था, जिसके बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया। अदालत में परिवाद दाखिल होने के बाद तेंदुलकर को नोटिस भी जारी हुआ, हालांकि बाद में माफी मांगने के बाद अदालत से उन्हें क्लीन चिट मिल गई। जबकि मद्रास हाईकोर्ट ने मार्च 2021 में एक बेहद अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का चित्रण करने वाला एक बड़ा केक काटना और फिर उसे खाने को दंडनीय अपराध नहीं माना जा सकता। बता दें कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान दंडनीय अपराध माना गया है। न्यायालय ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के एक वाक्यांश के हवाले से कहा कि देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकती, मेरी शरण मानवता है। मैं हीरे की कीमत में कांच नहीं खरीदूंगा और मैं मानवता पर कभी भी देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। और इसी वाक्यांश के आधार पर ये जो चीजें हैं, मद्रास हाईकोर्ट ने इसे अपराध नहीं माना। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट के फैसले के बाद जब ऐसा फैसला आया है कि अगर तिरंगे यानी कि राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे के केक बनाया जा रहा है और उसे काटना अपराध नहीं है, इस तरह का केक काटना अपराध नहीं है, कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया है, तो फिर यहां दुर्ग जिले में जो बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने यह विरोध क्यों जताया है? सवाल इस पर भी है, क्या उनको यह पता नहीं है कि मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर क्या फैसला दिया है? और यह फैसला ज्यादा दिन नहीं हुआ, यह फैसला मार्च 2021 में आया है। तो यह सारी चीजें हैं, ये बातें हैं, प्रश्न बनता है तो उत्तर लेने का प्रयास करूंगा अपने मेहमानों से। लेकिन एक बात और सामने आती है इस मामले में कि एएसपी जो ध्रुव जी हैं, संजय ध्रुव, इन्होंने कहा है कि जांच करके कार्रवाई की जाएगी। इसकी सच्चाई का पता लगाया जाएगा, इसका क्या मतलब होता है? क्या एएसपी को जो संजय ध्रुव हैं, इनको यह पता नहीं है कि यह मामला अपराध का नहीं है? तो इसमें सच्चाई क्या जांचेंगे? अगर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अगर वो सही हैं तो मद्रास हाईकोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि यह अपराध नहीं है, तो फिर वो सच्चाई क्या जांचेंगे और कार्रवाई क्या करेंगे? प्रश्न तो यह भी बनता है। और इस कार्यक्रम में ये प्रश्न तो उठेंगे ही, उत्तर जानने का प्रयास भी होगा। साथ ही साथ ऐसे विवादित काम जो कांग्रेस के नेता द्वारा किया गया है, यह भी पूछा जाएगा कि क्या यह जरूरी है कि कुछ ऐसा स्कैंडल खड़ा कर दें जिससे कि मामला तूल पकड़े, राजनीतिक विवाद हो हल्ला हो। आपको केक ही काटना है
तो बड़ा सा केक बनवा लीजिए, उसे ही काटिए। लेकिन एक तरह से यह कहा जा सकता है कि अगर उन्होंने ये काटा है तो मद्रास हाई कोर्ट के अनुसार जो फैसला आया है उसके अनुसार यह सही है, गलत नहीं है, अपराध नहीं है। तो जब अपराध नहीं है तो इस पर हो हल्ला क्यों? तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जी जुड़ चुके हैं और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जो केक कटा है, पूर्व पार्षद और कांग्रेसी नेता कालीचरण ने जो केक काटा है उस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा काफी आग बबूला है और एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज की है, अपने शिकायत पत्र दिया है एएसपी को, उन्होंने जांच के लिए कहा है, आखिर यह विवाद क्यों? जी देखिए, मुझे लगता है प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार बनी है, जी भूपेश बघेल की सरकार बनी है, दो प्रकार का कानून प्रदेश में चल रहा है जी। अगर कांग्रेस वाले कुछ करते हैं तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कुछ कानून व्यक्ति कार्य करता है या कुछ संत समाज का व्यक्ति कार्य करता है जी, तो इस प्रकार का अगर कुछ बात सामने आती है तो आप अपराध प्रतिबद्ध करते हैं। मुख्यमंत्री के पिताजी नहीं तो ये भगवान राम जो केक कटा है, भगवान राम के बारे में कई बार टिप्पणी, ठीक है सर, माता सीता के चरित्र पर कई बार सवाल उठा चुके, ठीक है, लेकिन ये जो केक कटा है कालीचरण ने, जो सरकार है कि नहीं अभी भी जी, कांग्रेस सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती, ठीक है। वही कालीचरण महाराज जी महात्मा गांधी के बारे में बोलते हैं तो राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होता है, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आता छत्तीसगढ़ में नहीं, ये केक कटने पर कौन सा मामला दर्ज होना चाहिए सर? सर ये केक कटने पर कौन सा मामला दर्ज होना चाहिए? देखिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अगर उसमें तिरंगा बना है जी तो भारतीय जनमानस की भावना जुड़ी हुई है, हम लोग केक को जो है जी केक इसको काटा जाता है जबकि हम लोग तिरंगों को सैल्यूट करते हैं जी, ये आम आम नागरिक की भावना है जी, एक देशभक्त व्यक्ति। तो ये आप फैसला कैसे कर सकते हैं कि ये अपराध है? मद्रास हाई कोर्ट ने तो साफ साफ अपने फैसले में कहा है जी कि इस तरह के केक काटना अपराध नहीं है जी, तो आप अपने मन से कैसे फैसला कर सकते हैं कि यह अपराध है? तिरंगा तिरंगा जो है देश की शान है जी, और हम लोग मैं समझता हूँ कि तिरंगा को सैल्यूट करते हैं जी, और आपको मालूम है आज भी ये नियम है शाम को 5 बजे हर भारतीय तिरंगे को सैल्यूट करता है सर जी 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 जी, और करना चाहिए जी, सम्मान करना चाहिए जी, लेकिन हमें आप सिर्फ ये बताइए, हमें सिर्फ ये बताइए कि मद्रास हाई कोर्ट ने अभी ज्यादा दिन नहीं हुए मार्च 2021 में एक फैसला दिया है कि इस तरह के केक काटना अपराध नहीं है। देखिए कोर्ट ने फैसला दिया है, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं जी, लेकिन जहां तक तिरंगे की बात है मुझे लगता है कि आम जनमानस की हर भारतीय की एक भावना जुड़ी है जी, हम लोग तिरंगे का सम्मान करते हैं और आज भी आप देखिए जो सरकारी बिल्डिंग में ध्वज फहराया जाता है जी, शाम को उसको प्रोटोकॉल के तहत निकालते हैं, पहले सैल्यूट करते हैं फिर उसको निकालते हैं जी, सूर्यास्त के बाद जो है जी झंडे को सूर्यास्त पहले निकालने का विधान है जी संविधान में जी, और सुबह जब सूर्योदय होता है भगवान सूर्योदय होते हैं जी, फिर से उसको सैल्यूट करके नहीं सर, अगर जो इस केक पर इतना बवाल मचाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उस फैसले के विरुद्ध। बिल्कुल बिल्कुल जाएगी भारतीय जनता पार्टी और उसके जो हमारे जाबाज कार्यकर्ता है बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि आम जनता की और मैं समझता हूँ देश के हर व्यक्ति की एक भावना है, तिरंगा हमारा हमारी शान है जी, हमारा अभिमान है जी, और उस तिरंगा को काटना कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति भले भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है लेकिन एक छत्तीसगढ़ के जी जो व्यक्ति है जो स्वाभिमानी है जो देशभक्त है जी, उनकी भावना का कहीं ना कहीं अपमान हुआ है जी, उनकी भावना को ठेस पहुंची है। ठीक है सर जी, श्री कुमार मेमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कांग्रेस प्रवक्ता है जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार देवेंद्र जी। जी सर, एक मामला आया है दुर्ग से जहां पर एक कांग्रेस नेता ने जो केक काटा है अपना बर्थडे केक, उस पर तिरंगा अंकित है और उसको उसे काटा गया है, और बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं कि यह तिरंगे का अपमान है, क्या कहना है सर?
वैसे जी आपने अपनी बात में इस बात को क्लियर कर दिया था जी कि मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था उनके द्वारा एक केस फाइल की गई थी डी सेंथिल कुमार के द्वारा जी, जिसमें उन्होंने तिरंगे कलर पर तिरंगे के काटने के संबंध में ट्राई कलर के जो उसके अपमान के संबंध में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, तो वहां उन्होंने एक रूलिंग दिया था कोर्ट ने जी कि जहां पर अशोक चक्र ना हो जी और उसमें ट्राई कलर कहीं भी यूज होता है उसको कहीं भी राष्ट्रीय झंडे का अपमान या राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान नहीं माना जा सकता जी। और उसके लिए उन्होंने टैगोर जी की रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कई बात को भी उन्होंने रखा था कोर्ट ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए कि किसी भी इस प्रकार से मतलब देशभक्ति के लिए कोई भी ऐसा आर्ट न बनाया जाए या ऐसा ये न किया जाए जिसको दिखावे का कहा जाए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा जो रिपोर्ट की गई है तो मैं इसमें उनका दोष नहीं मानूंगा देवेंद्र जी, इस पार्टी की संस्कृति ऐसी है कि इनके जो सर्वोच्च नेता है वहां से लेकर नीचे तक के सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि झूठ अफवाह। लेकिन सर झूठ अफवाह की बात तो अलग है, अभी आपने कहा है कि जिस पर अशोक चक्र ना हो उस पे अगर जो केक है अगर अशोक चक्र ना नहीं है और तिरंगा है जी जी तो उसे काटा जा सकता है, अशोक चक्र नहीं है काटा जा सकता है जी, वो अपराध नहीं है जी। लेकिन लेकिन जो तस्वीरें हैं आपने देखी हैं सर उसमें तो अशोक चक्र दिख रहा है, उसमें तो अशोक चक्र दिख रहा है ना सर? नहीं अशोक चक्र है कि मैंने देखा है, मैंने देखा नहीं है अशोक चक्र है कि नहीं है। नहीं हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं उसमें अशोक चक्र तो है, क्या कहेंगे आप? नहीं लेकिन जो कोर्ट का डिसीजन यही है जी कि नहीं, इसमें भी और भी बातें हैं, सिर्फ मैंने एक अशोक चक्र की बात की है, इसके अलावा जी उसमें झंडा फहरता हुआ झंडा जी कपड़े का झंडा जी इन सब बातों को उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि अगर कपड़े का होगा तो ही उसको अपमानित माना जाएगा, नहीं तो हजारों 15 अगस्त के बाद 26 जनवरी के बाद हजारों की संख्या में सैकड़ों की संख्या में लाखों की संख्या में जगह जगह लोग चाहे वो कागज के झंडे हो चाहे वो है लोग अपने खुशी से उसको लेकर घूमते हैं, चाहे अपनी मोटरसाइकिल में लगाते हो चाहे वो कार में लगाते हो चाहे साइकिल में लगाते हो, लेकिन दूसरे दिन कई बार वो सड़क पर हम लोग उनको उठाते हैं सम्मान पूर्वक उनको रखते हैं, पीपल्स में भी कई जगह अशोक चक्र लगा रहता है। लेकिन जहां तक राष्ट्र प्रतीक चिन्ह का जो है जी। और अशोक इसका जो तिरंगे का अपमान की जो बात की जाती है वो एक फहरते हुए झंडे को अपमानित करने के मामले को लेकर क्लियर कट है, और अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरा का पूरा उनका डिसीजन पढ़ सकता हूँ, लेकिन चूंकि उनका जो ये है वो सॉरी वो जी इंग्लिश में है इसलिए बहुत सारी बातें उसमें क्लियर ये नहीं हो पाएंगी, लेकिन जो सच्चाई यही है और ये सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए उद्देश्य से किया गया जी। मैं ये मानूंगा कदम ऐसे चीजों से परहेज किया जाना चाहिए जी। राजकुमार राठी जी, जी। माहौल बनाने की प्रक्रिया है जी, देखिए मेमन जी का कहना है बस, देखिए मेमन जी हमारे मित्र हैं जी, माहौल बनाने जैसा विषय नहीं है, आम जनमानस की भावना को जी उजागर करने वाला विषय है। आप इसके पहले भी देखते हैं जी कि कांग्रेस के जो मेरे साथी है वो इस बात को जानते हैं कि इनको भारत माता कहने में भी परहेज होता है, भारत माता की जय करने में भी परहेज होता है जी। जो कांग्रेस के लोग हैं जी ये लोग भारत माता की जय करने में परहेज करते हैं जी। और जब राम सेतु को तोड़ने की बात आई थी तो आपको याद होगा बाबरी मस्जिद के पक्ष में कांग्रेस ने पूरी एक टीम खड़ी की थी वकीलों जी। अब जब फैसला आ गया है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है जी। तब इनको भगवान राम की याद आती जी। खाली राम को आप वर्ल्ड बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। आपके जो है भारत माता की जय, हमें नहीं लगता सर जी राजकुमार राठी जी, हमें नहीं लगता कि कांग्रेस को भारत माता की जय कहने में कोई एतराज है जी। आप सर है क्या पूछ लेते हैं ना सर, यही कभी नहीं जी नहीं नहीं सर, राजकुमार राठी जी पूछ लेने दीजिए ना सर, यहाँ तो मेनन साहब हैं हमारे साथ ही, क्यों सर भारत माता जी भारत माता की जय करने में कोई एतराज है? देवेंद्र जी हमारे कांग्रेस पार्टी की बैठक हो चाहे नगर निगम परिषद की बैठक हो चाहे सामान्य सभा हो, हर जगह हम लोग भारत माता की जय के जयकारे करते हैं, वंदे मातरम गाते हैं और कहीं कोई इस चीज से हमको परहेज नहीं है, क्योंकि ये सब
जितने भी आप जिनकी बात कर रहे हैं ये पूरे हमारे कांग्रेस पार्टी की देन है, मान के चलते जी। ठीक है सर। राठी जी, इन्हें तो कोई एतराज नहीं है, फिर ऐसी बातें क्यों? आप दिखा दीजिए जी, इनके किसी भी बड़े नेता की सभा में जी, अगर सभा के प्रारंभ में भारत माता की जय होती है, सभा के अंत में हो, आप एक भी वीडियो दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा जी। आप एक भी वीडियो दिखाइए जी, किसी भी कांग्रेस की नेता की सभा हुई है जी, क्या मुख्यमंत्री जी की सभा हुई कि राहुल जी की सभा हुई है जी, और कार्यक्रम की शुरुआत में या कार्यक्रम के अंत में अगर भारत माता की जय हुई होगी जी, आप जो बोलेंगे मुझे मंजूर है जी। नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे जी, तू कहती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है जी। जवाब तो मेनन साहब ही देंगे जी। क्यों ऐसे के लिए अगर ये पहले बोले होते तो आपको ऐसे कई जगह आपको बता देते हम, जहां पर हम ये करते, और मेरे हमको कोई इनका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है भाजपा के लोगों से जी। देखिए देवेंद्र जी, भाजपा के लोगों से कांग्रेस पार्टी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है जी, कि ये लोग ये कहे कि हम लोग किसी प्रकार से भारत की आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी का जो देन है, कांग्रेस पार्टी के जो त्याग और बलिदान है, वो आज तक जनता याद करती है। भाजपा के एक नेता का नाम आप बता दें जो आजादी के इसमें शहीद हुआ हो, कहीं भी इनका एक नाम नहीं है। लेकिन और सिवाय इन्होंने मुखबिरी करने से लेकर इनके नेताओं ने कोई काम नहीं किया था आजादी के आंदोलन में भी, और इनका कोई नैतिक दायित्व नैतिक ये नहीं है कि ये लोग हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए किसी प्रकार के। हाँ, रही बात जिस प्रकार से केक के संबंध में बात आ रही है, चूंकि अभी विषय केक के संबंध में, मैं तो एक चीज कहूंगा, भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा सनसनी फैलाने का, चाहे अभी जो पंजाब के अंदर जो घटना हुई है जी, मैं उसी घटना को भी इससे जोड़ूंगा, 1 किलोमीटर दूर होने के बाद भी जी, जिस प्रकार से मामला बनाया गया कि उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी हत्या हो जाते, ऐसी बातें की गई हल्की फुल्की बातें करके बड़े स्तर के लोगों के द्वारा, बड़े स्तर पर बैठे हुए लोगों के द्वारा, वो अपने आप में साबित करता है कि इनका चरित्र है कि देश के अंदर में ऐसा माहौल संसदीय बनाए और कुछ एक मीडिया को अपने साथ जोड़कर इस चीजों को फैलाया जाए, सोशल मीडिया फैला जाए, ताकि उसका लाभ इनको राजनीतिक रूप से मिलते रहे, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार की चीजों को फैलाने का काम करते हैं जी। राजकुमार राठी जी, बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, कांग्रेस का काम आरोप लगाने का काम है जी, मुझे इस बात से इनकार नहीं कि कांग्रेस पार्टी का जो गठन है जी, वो देश को आजाद कराने के लिए हुआ जी। लेकिन मेमन जी इस बात को भूल रहे हैं, देश के आजाद होने के बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था जी कि कांग्रेस पार्टी को अब समाप्त कर देना चाहिए, इस बात का उल्लेख मेरे साथी प्रवक्ता नहीं कर रहे जी। और जब देश आजाद हुआ जी और कांग्रेस पार्टी का विघटन नहीं हुआ, उसके बाद नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर के अलग संविधान बनाया जी, वहां का झंडा अलग था, वहां का मुख्यमंत्री खुद को प्रधानमंत्री था जी। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया जी कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं हो सकते जी, और उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया जी। और बाद में जब वो जम्मू कश्मीर जाने लगे, जब वहां पर जम्मू कश्मीर में परमिट लगता था जी, और बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए जी, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया जी, और अज्ञात स्थान पर ले जाया गया उनको जी, और उनको कैद हुई। बाद में इतिहास है जी, ये जिसके बारे में चर्चा किसी और दिन करेंगे जी। देखिए, कहीं ना कहीं ठीक है सर, भाजपा का चरित्र उस समय क्या था, कांग्रेस पार्टी का क्या था। मैं आज एक ही बात कहना चाहूंगा जीवन जी, जी मैं एक ही चीज चाहूंगा कि हम जो बादारा लगाते हैं, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी जिंदाबाद जी, उसके साथ एक नारा जोड़ना चाहूंगा कि क्या राजकुमार राठी जी और भाजपा के नेता ये नारा लगाएंगे नाथूराम गोड़ से मुर्दाबाद जी, क्या नाथूराम गोड़ से मुर्दाबाद का नारा ये लगाएंगे जी, पूछिए उनसे जी। कभी एक इतनी बड़ी घटना हुई, आपने बहुत अच्छी डिबेट कराया, लेकिन एक भी भाजपा के नेता ने FIR नहीं कराया। राजकुमार जी भी आए थे उस दिन डिबेट में, FIR की बात आई कि कांग्रेस के लोगों ने FIR कराया जी कालीचरण के खिलाफ में जी जी। ठीक है सर, कम से कम जो बात राजकुमार राठी जी देश के अंदर में कैसे, देशभक्ति की बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो मेनन साहब ने कहा है कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा दे सकते हैं, भारत माता की जय का नारा तो मेनन साहब दे सकते हैं जी। दिखा दीजिए मुझे कोई वीडियो, आप कोई भी सर यहाँ बैठे बैठे मेनन साहब दे देंगे जी। मेनन साहब, भारत माता की जय नहीं कह सकते क्या? भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, बार बार बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, ये बोले नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद।
जी राजकुमार राठी जी, देखिए कांग्रेस जो है महात्मा गांधी को वोट बैंक रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, बात नारे की हो रही है और आपने पहले ही प्रश्न उठाया था प्रेरणा को लेकर, अब नाथूराम गोडसे की बात आ रही है तो आप बगले झांकने लगे, यही दिख रहा है सर। राठी जी देखिए महात्मा गांधी का उपयोग प्रधानमंत्री से लेके भाजपा का, नहीं नाथूराम गोडसे क्या इतना प्रिय है? आपने कहा कि क्या मेनन साहब भारत माता की जय बोल सकते हैं, उन्होंने बोल दिया, वंदे मातरम बोल दिया, अब उन्होंने आपसे कहा कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहिए, कोई ऐतराज है? देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जी, ये बोलने के लिए कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है। ठीक है सर, कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है। ठीक है सर, हर व्यक्ति के लेकिन आप नहीं बोलना चाहते मत बोलिए सर जी। महात्मा गांधी को वोट बैंक रूप में कांग्रेस इस्तेमाल करते हैं जी, महात्मा गांधी की कौन सी विचारधारा को कांग्रेस फॉलो किया बताइए। ठीक है सर, ठीक है राजकुमार राठी जी, आप अगर जो नहीं बोलना चाहते मत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास अब समय की कमी है और घड़ी की सुइयां ये बता रही हैं कि हम अब इस डिबेट को और आगे नहीं ले जा सकते। तो राजकुमार राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए डिबेट में हिस्सा लिया और अच्छी बातें की। श्री कुमार मेनन जी आप भी आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यह है कि देशभक्त कौन है, आखिर देशभक्ति का क्या पैमाना है? नारा लगाया जा रहा है भारत माता की जय, लेकिन और नारों के पीछे लोगों का क्या विचार है आप समझ ही सकते हैं। फिलहाल देशभक्ति वास्तव में दिल से होनी चाहिए और हर देशवासी का यह कर्तव्य है कि उसकी निष्ठा देश के प्रति बनी रहे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।